हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी उपकरण की सहायता से ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई बता दी, जिसने पैदल ही पूरे तिब्बत को नाप लिया। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नैनसिंह रावत के बारे में। पहली बार ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई बनाने वाले नैनसिंह रावत को गूगल ने भी डूगल बनाकर याद किया। अपने भाई के साथ रस्सी, थर्मामीटर और कंपास लेकर पूरा तिब्बत नाप आए। नैनसिंह रावत ही दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई बताई थी। माना जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग भी उनका नाम पूरे सम्मान से लेते थे। उस समय तिब्बत में किसी विदेशी शख्स के जाने की सख्त मनाही थी। अगर कोई चोरी छुपे तिब्बत पहुंच भी जाए तो उसे पकड़कर मौत की सजा सुनाई जाती थी। ऐसे में स्थानीय निवासी नैनसिंह रावत अपने भाई के साथ रस्सी, थर्मामीटर और कंपास लेकर पूरा तिब्बत नाप आए और तिब्बत का नक्शा बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कहते हैं नैनसिंह रावत ही दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है बताई। उन्होंने अक्षांश और देशांतर क्या है बताया। इस दौरान करीब 800 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की और दुनिया को ये भी बताया कि ब्रह्मपुत्र और स्वांग एक ही नदी है। रावत ने दुनिया को कई अनदेखी और अनसुनी सच्चाई से रूबरू कराया। आज हम और हमारा चैनल News24 पंडित नैनसिंह रावत को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।